नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेर और आज वीवो ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन V17 प्रो लॉन्च कर दिया है। ये वही फोन है जिसकी बड़े दिनों से चर्चा हो रही थी और एक यूनिक टाइप का स्मार्टफोन कंपनी लेके आई है। इसमें फ्रंट के पॉपअप में आपको दो कैमराज मिलते हैं और बैक साइड पे चार कैमराज दिए हैं, टोटल छह कैमराज हो गए। तो देखते हैं कि क्या है इस फोन में खास, लुक्स कैसी है और बॉक्स के अंदर कॉन्टेंट क्या है। टाइम वेस्ट नहीं करते और बॉक्स कॉन्टेंट इसका देख लेते हैं हम। और यहाँ से इस बॉक्स को मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ से कट लगा लिया जाए और खोल के मैं इस चक्कू को साइड में कर देता हूँ और बॉक्स खोल लेता हूँ। एक से एक फ़ोन वीवो लेके आती जा रही है, पता नहीं वीवो और ओप्पो स्मार्टफोन से क्या हो गया है कंपनीज को कि भाई अलग अलग तरीके के फ़ोन लेके आ रही हैं। पर एनीवे अच्छी बात है वो तो यूज़र्स के लिए, कंज्यूमर के लिए, कि अलग अलग तरीके के स्मार्टफोन मिल रहे हैं। पर एनीवे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स खोलते ही आपको यहाँ पर एक ऊपर की तरफ लिड रखी मिल जाती है। इस लिड में क्या मिलता है देख लेते हैं। इस लिड के अंदर आपको एक तो ये कवर मिलता है जो कि थोड़ा सा हार्ड शेल है और वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अलग प्रकार का कवर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा जिसको मैं निकाल के यहाँ पर रख लेता हूँ। साथ साथ ये है यूज़र गाइड और वारंटी कार्ड, इसको भी यहाँ प्लेस कर लेते हैं। और इसमें आपको केबल मिलती है जो कि है टाइप सी केबल, इसको भी हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं। और इधर आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, एक ये IMEI स्टिकर भी है, अगर बाई चांस आपको अपने फ़ोन पे लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। पर एनीवे इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। और लुक्स देख लेते हैं, तो भाई फ़ोन की लुक्स काफ़ी शानदार है। मुझे लगता है नहीं कि वाइट कवर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलरेडी वाइट टोन है इस फ़ोन के बैक पैनल पर। और यहाँ पर एक प्रोटेक्शन के लिए गार्ड भी लगा हुआ है, खैर इसे उतारते नहीं फ़िलहाल, अभी जब रिव्यू करेंगे तब उतारेंगे, क्योंकि रिव्यू के दौरान काफ़ी स्क्रैच लगते हैं मुझसे फ़ोन पर। और फ़ोन के स्क्रीन पर भी ऑलरेडी एक प्री अप्लाइड आपको गार्ड मिल जाता है। पर एनीवे फ़ोन को ऑन करता हूँ मैं और इसे यहाँ प्लेस कर देता हूँ, इसको हटा लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक अडैप्टर मिल जाता है जिस पर लिखा है 9 वोल्ट 2 एम्पीयर, 18 वोल्ट की चार्जिंग है इस फ़ोन में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ईयरफोन्स भी मिल जाते हैं। तो ये रहा इस फ़ोन का बॉक्स कंटेंट। आप देख सकते हैं कि जब आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे तो ये सब एक्सेसरीज आपको इसके साथ मुहैया करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के ओवरव्यू की। तो सबसे पहले आप पर डिस्प्ले देख लीजिए, पूरी तरह से बेजलेस डिस्प्ले आपको मिलता है। नीचे की तरफ चेंज जो दिया है वो भी काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं कि दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले साइड के बेजल्स बहुत स्लीक हैं। यहाँ पर ऊपर बॉडी में ही आपको ईयर पीस मिल जाता है, यहीं से आप कॉल्स अटेंड करके सुन पाएंगे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3.5 जैक मिलेगा, इधर एक ये माइक है ये, और यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा मिल जाता है। नीचे की तरफ भी एक माइक दिया है, सिम ट्रे है और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। जबकि इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर जो भी बटन मिल जाता है जो कि असिस्टेंट बटन है कंपनी का, गूगल असिस्टेंट फिलहाल इंडिया में आप यूज़ कर पाएंगे, जो भी के लिए अभी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पावर बटन मिलता है और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर की दी गई है। ओवरऑल लुक्स आपको जरूर पसंद आएगी। जी हाँ, बैक पैनल आप देख लीजिए काफ़ी शानदार है, हालांकि फिंगरप्रिंट्स के स्मजेस बहुत जल्दी लग रहे हैं, हाथ रखते ही फिंगरप्रिंट्स के निशान लग जा रहे हैं इस पे। देख सकते हैं कलर्स कंपनी ने बहुत इंटरेस्टिंग निकाला है, ये वाइट और ब्लू टोन इसमें मिक्स है। कर्व्ड बैक पैनल है और पीछे भी आपको चार कैमरास मिल जाते हैं, उनके बीच में ही यहाँ पर LED लाइट दी गई है। AI क्वाड कैमरा कंपनी ने लिखा है। ओवरऑल काफ़ी हैंडी स्मार्टफोन है, कॉम्पैक्ट साइज का है, स्क्रीन साइज बड़ा होने के बावजूद भी आपको इतना बड़ा फ़ोन नहीं लगेगा, हैंडी है, आप आसानी से हाथ में पकड़ पाएंगे इस फ़ोन को। 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर AMOLED डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है और इसी के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो चलिए एक बार इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का डेमो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टच करने से ही अनलॉक हो जा रहा है फ़ोन। काफ़ी क्विक है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। हाल ही में हमने सैमसंग के एक फ़ोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट किया था, हमें पसंद नहीं आया था। और अगर आप उसका नाम जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में ही सैमसंग के हाल ही में गए अनबॉक्सिंग वीडियो को देख सकते हैं हमारे वीडियो सेक्शन में जाके। इसके अलावा अगर हम इसके इंटरनल्स की बात करें तो इसमें मिलता है आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट। अरे भाई, बोलते हुए भी परेशानी हो रही है, क्या बोला मैंने, 675 यार, यस 675 दिया है। इस प्राइस रेंज में कंपनी आपको 675 चिपसेट दे रही है, बोलने में परेशानी हो रही है मुझे इतनी, तो आपको सुनने में भी परेशानी हो रही होगी।
बाकी स्पेसिफिकेशन जरूर पसंद आएंगे, बस एक ही प्रोसेसर की वजह से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ इस फोन से। पर anyway, आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलती है 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज। आइए मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार। अबाउट फोन में जाएंगे हम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड वर्जन 9 दिया गया है, 8GB की रैम है, 2.0GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट है और स्टोरेज के ऑप्शन में जाके मैं आपको इसकी स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। 128GB की इंटरनल स्टोरेज है और आप देख लेते हैं कि मेमोरी एक्सपेंडेबल है कि यहाँ भी आपको डिसअपॉइंट करेगी कंपनी। तो भैया अरे भैया ये क्या भैया, अरे भैया ऐसे कैसे करोगे, अरे भैया दो सिम कार्ड का ऑप्शन है सिर्फ, मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो 128GB मेमोरी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा भाई। थोड़े गाने कम डालिएगा, थोड़ी फोटो कम खींचेगा क्योंकि इसकी फोटो बहुत शानदार आने वाली है, फोटो काफ़ी स्पेस लेने वाली है। हालांकि कंपनी ने मेंशन किया है कि आप इसमें ढेर सारी फोटोज़ डाल सकते हैं, जैसे कंपनी ने कहा है कि इसमें आप 23,000 से भी ज़्यादा की फ़ोटोज़ डाल सकते हैं और आप इसमें 1,45,000 के आसपास इसमें गाने अपने लोड कर सकते हैं। पर एक्चुअल में क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम दोनों को डालेंगे, कितना हम स्टोरेज को एक्सपैंड कर पाएंगे, कितना हम स्टोरेज को सॉरी यूज़ कर पाएंगे, वो रियल यूसेज में ही समझ आएगा। पर एनीवे आपको कैमरास के बारे में बता दूँ जो इसकी हाईलाइट है, और सबसे पहले बता दूँ कि इसका हाईलाइट कैमरा बैक वाला तो है ही, फ्रंट कैमरा ज़्यादा हाईलाइट है। तो पहले फ्रंट के बारे में बताता हूँ, 32+8 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिए गए हैं, एक सेंसर रेगुलर फोटो क्लिक करता है और एक वाइड एंगल फोटो क्लिक करता है। भाई वाइड कहाँ से आएगा, वाइड का ऑप्शन यहाँ से आएगा, ये अल्ट्रा वाइड। ओ भैया वो देख सकते हैं कि भाई फ्रंट में भी वाइड एंगल फोटो का ऑप्शन है, तो अब आपने ग्रुप सेल्फी भी आसानी से ले पाएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पर एनीवे देख सकते हैं कि एनिमेशन कितनी प्यारी है इसकी, बड़ा मॉड्यूल है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है जब बाहर आता है ये। और फ्रंट में एक चीज़ चेक करनी है मुझे और वो ये है कि LED लाइट जो दी है वो कैसी है। ओ भाई साहब, बीच में आपको LED लाइट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी आपको स्क्रीन के अंदर LED लाइट ना देके इसके जो पॉपअप मॉड्यूल है इसमें LED लाइट मुहैया करवा रही है, तो आपको अंधेरे में फोटो क्लिक करने में परेशानी नहीं होगी। एक और चीज़ जो मुझे चेक करनी है वो ये, क्या वाइड एंगल मोड में भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। और LED लाइट को भी फ्रंट में ऑन कर सकते हैं। पर एनीवे अब बैक कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 48+13+8+2 मेगापिक्सल के चार रेयर कैमरास। जो 48 मेगापिक्सल सेंसर है वो रेगुलर फोटोज क्लिक करता है, टेस्ट करके मैं आपको जरूर दिखाऊंगा रिव्यू के टाइम, अभी फिलहाल टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है। 13 मेगापिक्सल सेंसर है वो 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है, उसका भी टेस्ट जरूर दिखाऊंगा। और साथ साथ जो 8 मेगापिक्सल सेंसर है वो वाइड एंगल यानी अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो क्लिक करने की क्षमता रखता है। ये देखिए अल्ट्रा वाइड एंगल, थोड़ा UI चेंज कर दिया है कंपनी ने कैमरा का तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज भी क्लिक कर पाएंगे। और जो 2 मेगापिक्सल सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। तो वीडियो के अगर सेक्शन में हम जाके देखें तो आप रेयर कैमरा से 4K वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, फॉर श्योर गुड थिंग। और फ्रंट कैमरा की हमने वीडियो को टेस्ट नहीं किया था कि फ्रंट कैमरा से आप किस रेजोल्यूशन शूट कर पाएंगे, तो फ्रंट कैमरा से फुल HD रेजोल्यूशन शूट कर सकते हैं। तो देखा कैमरा इसका प्लस पॉइंट है और कैमरा में ये पूरी तरह से रॉक करता है। और आपको बता दूं कि इसमें 4100mAh की बैटरी मिलती है जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर प्राइसिंग के हिसाब से स्पेक्स देखे जाएं तो सिर्फ एक प्रोसेसर ऐसा है जो आपको यहाँ पर निराश करेगा। अगर यहाँ पर कंपनी थोड़ा पावरफुल प्रोसेसर लगा देती तो शायद आप इस फोन को बहुत अच्छे और एक खुशहाली वाले मन से खरीदने की चाह रखते, पर अभी भी खरीदना चाहेंगे आई एम श्योर क्योंकि कैमरा बहुत प्यारे हैं, कैमरा आपको जरूर पसंद आएंगे। आपको इसके रैम स्टोरेज भी अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले इंटरेस्टिंग है, लुक्स भी इंटरेस्टिंग है, पर प्रोसेसर की वजह से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ यहाँ पे। आपकी क्या राय है इस फोन को लेकर प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।